इंडिया गठबंधन के गठन के बाद दिल्ली में पहली बार संयुक्त महारैली होने वाली है जो ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होगी। समय आज सुबह 10 बजे का है, लेकिन अभी क्या तैयारियां हैं वो हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। तो यहां पर तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, कई सीरीज में लोगों को बैठा गया है। आगे जो है VIPs और उनके साथ जो बड़े समर्थक आ रहे हैं उनके बैठने के लिए जगह बनाई गई है। वहीं लाल कुर्सियां जो दूर तक आपको पीछे नजर आ रही हैं, ये आम लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि 20,000 से ज्यादा लोग, दिल्ली की जनता इसमें शामिल होंगी। वहीं मैं आपको दूसरी तरफ भी दिखाऊं तो यहां पर भी कुर्सियां लगाई गई है। ठीक मेरे पीछे भव्य मंच तैयार हो गया है। मंच में जितने भी बड़े लीडर्स यहां पर शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सपा से अखिलेश यादव हो, कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर आम आदमी पार्टी से आतिशी गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज हो, ऐसे तमाम बड़े लीडर्स के लिए आप देखिए किस तरीके का मंच सज चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है वो भी इस रैली का हिस्सा बनेंगी। आप अगर देखें तो पोस्टर्स जो है वो दो तरह के लगाए गए। सबसे पहले स्टेज की तरफ जब आपकी नजर जाती है तो वहां पर लोकतंत्र बचाओ महारैली का जो है वो नारा बुलंद किया जा रहा है। तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये जो है कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का नारा जो है दिया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी एक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, पहली बार दिल्ली में सिटिंग सीएम की गिरफ्तारी हुई है पूरे देश में, उसको लेकर के अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से नजर आएंगे, जहां पे अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, इस वक्त ईडी की कस्टडी में। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरीके के नारे बुलंद किए जा रहे हैं। तकरीबन 20,000 लोगों के आने की बात की जा रही है, और ऐसे में लोकसभा चुनावों से पहले इस महारैली का जो ऐलान किया गया है ये कितना सफल होता है, कितना कारगर होता है, ये तो तस्वीरें बताएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है, कुछ दिनों का समय बचा है, और ऐसे में दिल्ली की ये पहली गठबंधन के बाद इंडिया अलायंस की महारैली है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।